हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं थ्योरी सब्जेक्ट्स की स्टडी कैसे करनी है। सो सीए फाउंडेशन इंटरमीडिएट एज वेल एज फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को थ्योरी सब्जेक्ट से डर लगता है। हाउ टू स्टडी थ्योरी सब्जेक्ट, ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स को। सो आज के वीडियो में हम बहुत सारे स्ट्रैटेजीज देखेंगे एंड यू कैन ईजीली स्कोर मोर देन 60-70 इन थ्योरी सब्जेक्ट्स ऑल्सो यूजिंग दिस स्ट्रैटेजीज। तो बहुत सारे रैंकर्स के क्या स्ट्रैटेजीज होते हैं एंड जो स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं वाइल स्टडिंग द थ्योरी सब्जेक्ट, वो मिस्टेक्स आपको कैसे अवॉइड करने हैं, वो सारे डिटेल्स आज हम देखेंगे। सो फर्स्ट स्ट्रैटेजी है कि आपके पास समरी होनी चाहिए हर एक टॉपिक की। सो वो चार्ट फॉर्म में हो सकती है या ऑडियो समरी आप कर सकते हो। अभी तक आपने समरी नहीं बनाई है तो कीवर्ड हाईलाइट करते जाओ फ्रॉम मेन टेक्स्ट। सो चेक पॉइंट वन कि आपके पास समरी है क्या हर एक टॉपिक की, चेक करो, नहीं है तो प्रिपेयर करो। वो समरी आपकी रीड होनी चाहिए 20-30 मिनट्स में। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट स्ट्रैटेजी। सेकेंड स्ट्रैटेजी, वो समरी रिवाइज तो करनी ही है बार बार, बट उसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर्स की भी सॉल्विंग प्रैक्टिस करनी है। स्टूडेंट सिर्फ रीडिंग करते हैं, सिर्फ रिवाइज थ्योरी पार्ट पढ़ते जाते हैं एंड क्वेश्चंस मैम हम बाद में करने वाले हैं, अभी तो हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, ऐसे आंसर्स देते हैं। बट क्वेश्चन आंसर्स भी आपको फर्स्ट रीडिंग से ही करना है। आप सिर्फ रीडिंग नहीं कर सकते हो, आपकी रीडिंग कॉम्पिटिशन नहीं है, करेक्ट। सो क्वेश्चन आंसर्स की सॉल्विंग प्रैक्टिस भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। वहाँ पे एग्जाम में आप क्या करने वाले हो सोचो, आपके पास जब क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा आपको, आप फर्स्ट क्वेश्चन रीड करोगे, फिर इंटरप्रेट करोगे वो क्वेश्चन, फिर आप प्रोविजंस कीवर्ड्स रिकॉल करना स्टार्ट करोगे, फिर आंसर ड्राफ्टिंग कहाँ से आंसर स्टार्ट करना है, तो इन सब की प्रैक्टिस होनी चाहिए। और ये प्रैक्टिस सॉल्विंग से ही हो सकती है। आप सिर्फ थ्योरी पार्ट रीड करते रहे तो इन सब की प्रैक्टिस नहीं होने वाली है। आप जब क्वेश्चन आंसर्स की सॉल्विंग प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक थ्योरी पार्ट रिवाइज हो रहा है। तो जो भी आपके फ्रेंड्स या आप खुद अगर क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ आपके फ्रेंड्स को गाइड करना, और मैं आपको खुद गाइड कर रही हूँ कि क्वेश्चन आंसर्स की सॉल्विंग प्रैक्टिस करो। बहुत सारे रैंकर्स के भी आप वीडियोस देखो, वो भी बताते हैं क्वेश्चन आंसर्स की सॉल्विंग प्रैक्टिस करो। यहाँ पे टेस्ट सीरीज में भी जो भी रैंकर्स है या जिन्होंने अबाउट 60-70 स्कोर किया है थ्योरी सब्जेक्ट में, उन सभी स्टूडेंट्स ने मुझे यही बताया था कि मैम हम क्वेश्चन आंसर्स की राइटिंग प्रैक्टिस करते थे। तो यहाँ पर आपको सवाल होगा, मैम इतना तो टाइम नहीं है हमारे पास, क्योंकि हर एक टॉपिक में अराउंड 25-30 क्वेश्चंस रहेंगे, इतने सब कैसे सॉल्व करेंगे, करेक्ट। सो एबीसी एनालिसिस का टेक्निक हमने ऑलरेडी देखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ए मार्क करो, जो मीडियम लेवल है उसको बी मार्क करो, एंड जो बहुत इजी है, जो आपको कभी भी पूछा क्वेश्चन तो आंसर आपको आ जाता है, तो ये टाइप के आप सी मार्क करते हो। सो जो ए टाइप के क्वेश्चंस है वो आपको लिखकर प्रैक्टिस करनी है। उसमें भी देखो बहुत सारे क्वेश्चन केस स्टडी बेस्ड आते हैं, तो आपको उसका आंसर किस फॉर्मेट में लिखना है पता है, प्रोविजन, फैक्ट्स ऑफ द केस एंड कंक्लूजन। सो फैक्ट्स तो आप कॉपी कर सकते हो फ्रॉम क्वेश्चन, कंक्लूजन एक दो लाइन का है, तो मेन प्रॉब्लम कहाँ पे आता है, प्रोविजन्स के पैराग्राफ में। फैक्ट्स एंड कंक्लूजन तो आप लिख सकते हो, तो मेनली आपने सिर्फ प्रोविजन्स के पैराग्राफ की लिखने की प्रैक्टिस की एंड फैक्ट्स एंड कंक्लूजन ओरली भी रिकॉल करके देखा तो भी आपको बहुत फायदा होगा। एंड जो बी टाइप के क्वेश्चन है उसके एटलीस्ट कीवर्ड्स जो है वो पॉइंटर्स में लिखो एंड देन कंपेयर योर आंसर विद देयर आंसर। अगर मोर देन 60-70% आंसर आपका मैच हो रहा है, कीवर्ड्स मैच हो रहे हैं, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जा सकते हो। 100% कंपेयर करना या 100% मैच होना डिफिकल्ट है, ओके। सो 60-70% आंसर मैच हो रहा है तो वो आंसर आपको आ रहा है, तो आपको लिखकर प्रैक्टिस करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को थ्योरी क्वेश्चंस करते वक्त बोर होता है, करेक्ट। तो बहुत घंटे हम थ्योरी नहीं पढ़ सकते, तो उसके लिए भी मेरे पास स्ट्रैटेजी है कि आप थ्योरी सब्जेक्ट को कैसे इंटरेस्टिंग कर सकते हो। तो हर एक क्वेश्चन को आपके क्लाइंट की केस है ऐसे ही समझो।
सो एज अ ऑडिटर व्हाट विल यू डू, आपका क्वेश्चन का ड्राफ्टिंग भी वैसे ही रहता है, करेक्ट, कंसल्ट करो, एडवाइस दो, इस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। तो उस क्वेश्चन को आपके क्लाइंट की केस समझो एंड एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट कंसल्टेंट उस सिचुएशन में आपने क्या सॉल्यूशन, क्या एडवाइस दिया रहता वो जस्ट इमेजिन करो। आपको आंसर रिकॉल होना ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा एंड वो आंसर कंपेयर करो। ये मैं खुद करती थी सीए फाइनल में, ऑडिट के सब्जेक्ट में स्पेशली मैंने ये किया था। क्वेश्चन के बाजू में मैं फीस लिख के रखती थी, ये क्वेश्चन करेक्ट आया तो 50,000 फी मिलेगी, ये क्वेश्चन करेक्ट आया तो 10,000 फी मिलेगी। सो क्वेश्चन के लेवल के हिसाब से मैं फीस अलॉट करती थी। अगर आंसर करेक्ट आ गया तो फीस मिल गई, आंसर रॉन्ग आया तो वो क्लाइंट भी गया और फीस भी गए। तो इससे बहुत इंटरेस्टिंग बनता था सब्जेक्ट। तो ये स्ट्रैटेजी आप यूज कर सकते हो एंड इसमें बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है सब्जेक्ट, क्योंकि आप प्रैक्टिकली इसको रिलेट कर सकते हो। देखो प्रैक्टिस में आपको इसकी फी मिलेगी अगर आपने करेक्ट एडवाइस दिया तो, एंड एग्जाम में आपको मार्क्स मिलेंगे, इतना ही फर्क है। बाकी केसेस क्वेश्चंस तो ऐसे ही होते हैं। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी जो सबको पता है, अंडरलाइन द कीवर्ड्स। ओके, सो आंसर्स में आपको कीवर्ड्स अंडरलाइन करने हैं, एग्जाम में भी अंडरलाइन करने हैं, और वो कीवर्ड्स की मैक्सिमम रिकॉलिंग प्रैक्टिस करो। चेकर्स देखता है कि कीवर्ड्स आपने आंसर में लिखे हैं ना, जितने कीवर्ड्स ज़्यादा होंगे उतने मार्क्स ज़्यादा मिलने वाले हैं। सेकंड नेक्स्ट स्ट्रैटेजी इज एमसीक्यू की प्रैक्टिस। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे बताते हैं कि मैम हमने एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं की है। क्यों नहीं की? तो हमने बहुत बार कंसेप्ट ही रिवाइज किए हैं तो हमें एमसीक्यूज आ जाएंगे। सो दिस इज द मिस्टेक, बिग मिस्टेक। बहुत सारे रैंकर्स 30 out of 30 लाते हैं इन एमसीक्यूज, मिनिमम 25 का टारगेट रखो इन एमसीक्यूज। ओके, इसमें निगेटिव मार्किंग भी नहीं है, करेक्ट। सो यहाँ से ही 25 आ गए तो 60-70 स्कोर करना बहुत ईजी जाएगा। और ये कब आएंगे? जब प्रैक्टिस करते हो। बहुत सारे एमसीक्यूज इंस्टीट्यूट ने दिए हैं उनके वेबसाइट पे, तो इसकी भी टाइमर लगा के सॉल्विंग प्रैक्टिस करो। सो 10 मार्क के एमसीक्यूज है तो 17 मिनट्स, 10 क्वेश्चंस अगर आप कर रहे हो तो 17 मिनट्स का टाइमर लगा के सॉल्व करो। टाइम मैनेजमेंट के बारे में मैंने न्यूमेरिकल सब्जेक्ट का स्टडी कैसे करना है उस वीडियो में बताया था आपको। उसके बाद रिकॉलिंग की प्रैक्टिस करना भी जरूरी है। हमने जो ABC में क्लासिफिकेशन किया है क्वेश्चंस का, तो ए एंड बी टाइप के क्वेश्चन आपको बार बार रिकॉल करके देखना चाहिए। जितना आप रिकॉलिंग प्रैक्टिस करोगे उतना रिकॉलिंग स्पीड बढ़ेगा एंड आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा। सो रिकॉलिंग प्रैक्टिस इज मस्ट। रिवीजन करते वक्त बहुत सारे स्टूडेंट री रीडिंग करते हैं, रिकॉल करके देखो, मैक्सिमम आप रिकॉल करो, जो रिकॉल नहीं हुआ उतना ही सिर्फ रीड करो। दिस इज इंटरेस्टिंग कर, दिस इज परगेटिंग कर। सो आपको दिख रहा होगा एक्स एक्सिस पे डेज है एंड वाई एक्सिस पे रिटेंशन परसेंटेज है। तो ये आपने परगेटिंग कर बहुत बार एक्सपीरियंस किया है, सबने एक्सपीरियंस किया है। सो फर्स्ट डे जो जीरो डे है, आज अगर आपने कुछ पढ़ा तो आपको 100% रिकॉल होगा। डे वन में देखो डायरेक्टली कर्व आ रहा है 50% को। सो अगर आपने नेक्स्ट डे उसको रिवाइज नहीं किया तो आपको सिर्फ 50% ही याद आएगा। एंड पूरे वीक में आफ्टर 7 days आपने उस चैप्टर को रिवाइज ही नहीं किया तो सिर्फ 10% याद आता है। तो आपने देखा होगा बहुत सारे फैकल्टीज आपको गाइड करते हैं कि क्यूमुलेटिव रिवीजन करो थ्योरी की, वीकली रिवीजन करो। तो उसका आंसर, उसका रीजन जो है ये फॉरगेटिंग कर है। तो हमारा ह्यूमन ब्रेन ऐसे ही वर्क करता है कि अगर हमने वो कंसेप्ट फिर से नहीं पढ़ी है, रिवाइज नहीं की है तो हमें रिकॉल नहीं होगा। इसलिए वीकली रिवीजन बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे रैंकर्स ये स्ट्रैटेजी यूज करते हैं, वो क्यूमुलेटिव रिवीजन करते हैं, मतलब कल जब आप स्टडी स्टार्ट करते हो तो प्रीवियस डे का रिवाइज करोगे एंड नेक्स्ट कंसेप्ट रिवाइज करोगे एंड देन पूरे वीक में जितना आपने पढ़ा है वीकेंड को आपको रिकॉल करके देखना है। रिवाइज मतलब रिकॉल करना है, री रीडिंग नहीं करना है, ठीक है? नहीं तो क्या होगा, आप आगे आगे पढ़ते जाओगे बट पीछे का आपको याद नहीं आएगा। सो वीकली रिवीजन बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड
और एक दिक्कत स्टूडेंट को जाती है कि मैम बहुत आवर्स बहुत घंटे हम नहीं थेरी सब्जेक्ट स्टडी कर सकते हैं, 1 घंटा भी बहुत मुश्किल से हम स्टडी कर पाते हैं फॉर थेरी। तो इसके लिए भी एक स्ट्रैटेजी है मेरे पास, आपको एक एक आवर के स्लॉट करने हैं। फर्स्ट आवर में उसको लर्निंग एपिसोड 1 में बोलती हूँ, उसमें प्राइम टाइम रहता है हमारा 20 मिनट्स का। तो 20 मिनट्स तक आप नए कंसेप्ट पढ़ोगे जहाँ पे फुल 100% मैक्सिमम कंसंट्रेशन हो सकता है। 20 मिनट्स के लर्निंग के बाद थोड़ा सा दिमाग थोड़ा सा ब्रेन डाउन होता है, तब नेक्स्ट 10 मिनट्स आप रिवाइज करो। तो जैसे प्रीवियस डे जो आपने पढ़ा है या पहले के 20 मिनट्स में जो पढ़ा है आपने, वो 10 मिनट्स तक आप रिवाइज कर सकते हो। फिर फ्रेश हो जाएगा ब्रेन, देन अगेन नेक्स्ट 20 मिनट्स आप क्या करोगे, नेक्स्ट कंसेप्ट लर्न करोगे, नए कंसेप्ट लर्न करोगे। सो फर्स्ट 20 मिनट्स नए कंसेप्ट, 10 मिनट्स रिविजन, नेक्स्ट 20 मिनट्स अगेन नए कंसेप्ट लर्न करने हैं। सो ऐसे हो गए हमारे 50 मिनट्स एंड 10 मिनट्स का आपको ब्रेक लेना है। ओके, फ्रेश होके आ जाओ, घूम के आ जाओ, सोशल मीडिया पे मत जाना डायरेक्टली 10 मिनट्स के ब्रेक में। कुछ गाना सुनना है, रिफ्रेश होना है, उस टाइप का रिफ्रेशमेंट करो। 1 आवर के बाद लर्निंग एपिसोड 2 स्टार्ट होगा, अगेन 20 मिनट्स न्यू लर्निंग, 10 मिनट्स रिविजन, 20 मिनट्स न्यू लर्निंग, 10 मिनट्स का ब्रेक। तो इस ब्रेक ब्रेक में आप स्टडी करोगे तो 3 to 4 आवर्स आराम से आपका थेरी सब्जेक्ट्स का स्टडी हो सकता है। ओके, सो दीज आर द स्ट्रैटेजीज फॉर थेरी सब्जेक्ट्स। इफ यू फॉलो दिस यू विल डेफिनेटली गेट अबाउ 60-70 स्कोर इन थेरी ऑल्सो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर दिस वीडियो विथ ऑल योर फ्रेंड्स जिनको थेरी सब्जेक्ट में बहुत डर लगता है, उनको ये स्ट्रैटेजीज आप बताओ। 60-70 स्कोर करना पॉसिबल है इन थेरी सब्जेक्ट ऑल्सो। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको कुछ डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो, हमें कांटेक्ट भी कर सकते हो, कांटेक्ट नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से कंसेप्ट पे कौन से स्ट्रैटेजीज पे चाहिए वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।